अपने इस्तीफे की खबरों पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नहीं दिया है इस्तीफा, हमारी सरकार चलेगी पूरे 5 साल क्योंकि हमारे पास है पूर्ण बहुमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी के जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में किया दर्शन और पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव से पहले कर दिया बड़ा ऐलान, बोले रक्षा मंत्री सीतामढ़ी में भी खिलेगा कमल। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर पटना के बांसघाट पर राजकीय समारोह का आयोजन, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद, पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन की तैयारी, नकेल के लिए बिहार सरकार बनाएगी नया विधेयक, इसी चालू सत्र में बिल ला सकती है नीतीश सरकार। दिया कुमारी ने मिशन 25 का दिलाया संकल्प, बोली मोदी की गारंटी पर लगेगी मोहर, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मिशन 25 को पूरा कर बीजेपी को जीत दिलाने की रूपरेखा तय। और बुलेटिन में बात होगी बीकानेर की। बीकानेर संभागीय आयुक्त वंदना सिंह ने बुधवार को पीवीएम अस्पताल स्थित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया और सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। उन्होंने कहा कि भोजन में मोटे अनाज का उपयोग किया जाए, रसोई परिसर में साफ सफाई, पेयजल बैठक के साथ ही हाइजीन व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में शिक्षा के मंदिर में शराबी शिक्षक ने जमकर बवाल मचाया। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी में बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक दारा सिंह ट्रेनिंग ले रहा है और शिक्षक के खिलाफ 3 दिन पहले CBEO कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मी से भी फोन पर अपशब्द कहे गए। इस मामले में भी कार्रवाई चल रही थी कि शिक्षक की एक और कमी सामने आ गई। सरकारी स्कूलों में चल रहे समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शराब के नशे में प्रशिक्षण लेने पहुंच गया और सूचना के बाद पहुंची महिला शिक्षा अधिकारी से भी बदतमीजी करने लगा। फिलहाल शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ एक्शन हुआ है। उधर पंचायती राज विभाग में 550 पदों की JEN भर्ती की फाइल लंबे समय से नियम संशोधन की प्रक्रिया में विभाग में लंबित है और इसी कड़ी में कई छात्रों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि कई सालों से हमारी भर्ती नहीं की जा रही है, दोनों ही सरकार ने हमें झूठा आश्वासन दिया, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा आज हम बेरोजगारों की मांगों को लेके बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पे हैं और लगातार हम मांग उठा रहे हैं कि राजस्थान में IN और JEN की भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता यह है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि युवाओं की बातों को सुना जाए, युवाओं की बातों को माना जाए और IN की भर्ती की जो हमारी मांग है, JEN की भर्ती की जो हमारी मांग है, 2008 से JEN की भर्ती नहीं हो पा रही है पंचायत राज विभाग में। आखिरकार सरकार क्यों युवाओं की सुनना नहीं चाहती है? अगर सरकार नहीं सुनेगी युवाओं की तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, युवा अपने हिसाब से फैसला लेंगे और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।